नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश चंद्रा और मैं अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और जो कि यूट्यूबर्स जो हैं अपने वीडियो बनाते हैं इनका वॉइस क्वालिटी जो है वीडियो में अच्छा नहीं आता है, उनके लिए ये वीडियो जो है खासकर बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा बोया माइक का अनबॉक्सिंग करके, और उसके फीचर्स क्या हैं वो भी आपको बताऊँगा, और उसको मोबाइल के साथ आपको उसे कैसे अपने स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों में, तो वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है बोया माइक। ये बोया माइक मैंने मंगाया था अमेजन से। नॉर्मली तो मार्केट में महंगा पड़ता है, 1000 रुपये के करीब पड़ता है, लेकिन अमेजन से मैंने मंगाया था तो मेरे को 100 रुपीज़ का उसमें डिस्काउंट ऑफर मिला था, तो 960 रुपीज़ का ये बोया माइक मेरे को पड़ा था। ये बोया माइक मैंने मंगाया है लेवेलियर माइक्रोफोन और माइक्रो क्रिएवेट है, एंड इसका मॉडल नंबर है B/M1। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इसका B/M1। और दोस्तों यहाँ पे एक खास चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है इसका एक QR कोड आप कह सकते हैं, QR कोड है और इसका लोगो लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो इसका नंबर पड़ा हुआ है यहाँ पे पहले स्क्रैच करने के लिए रहता है, एक पट्टी इसको ढका हुआ रहता है, इसको स्क्रैच करके जब आप अपने स्मार्टफोन में QR कोड स्कैनर करके एक एप्लीकेशन अगर कोई डाल लेंगे उसको इससे स्कैन करेंगे तो उसकी ऑथेंटिकेशन आपका पता लग जाएगा कि ओरिजिनल है या नहीं है। अगर डुप्लीकेट होगा तो आपको पता लग जाएगा, और अगर आपने ऑनलाइन लिया किसी शॉपकीपर से लिया तो उसको आप वहाँ पर जाकर रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने भी यही किया था, इसको स्क्रैच करके इसको स्कैन किया था, तो मेरा सीधे इसको यहाँ पर लेके जाता है आपको बोया की साइट पर। बोया माइक चाइनीज़ कंपनी है, इंडियन मॉडल नहीं है, इंडियन मेड नहीं है, चाइना मेड मॉडल है और चाइना का ही प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ पे इसके साथ अभी क्या क्या आता है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसकी वॉइस क्वालिटी जी अब हम रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल में स्मार्टफोन में तो वो काफ़ी बेटर हो जाती है, बाहर का जो सराउंडिंग साउंड होता है वो नहीं आता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ आता क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी भी मैं बोया माइक ही यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास जो है ये बोया का माइक है, और इसके साथ क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है बोया का माइक, और इस बोया के माइक में आपको ये जो फोम का ऊपर का इसका कवर है ये आता है। अगर इसको निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ये ऐसे पैकिंग के साथ आता है, ये कवर इसका एक्स्ट्रा आता है साथ में। तो इस कवर को हमें इस पे लगाना होता है, ये कवर इसलिए है कि जो वॉइस एयर का जो नॉइस रहता है उसको ये डिडक्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में फ़ैन चल रहा है या कूलर चल रहा है या AC स्पीड में चल रहा है तो ये उसकी वॉइस को कम कर देगा और आपकी वॉइस उसमें ज़्यादा क्लियर आएगी, उसका डिस्टरबेंस नहीं आएगा। या सराउंड में कुछ हवा चल रही है बाहर कहीं, जैसे मैं आउटडोर में भी शूटिंग कर रहा हूँ, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आउटडोर में ही कर रहा हूँ, तो उसका बाहर का जो साउंड है ये एकदम कम कर देता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसको हमें जो है यहाँ पर ऐसे करके लगा देना है खाली, और ये इसका नेक पोर्शन है, नेक पोर्शन में लगाने के लिए क्लिप भी अलग से ही आता है, क्लिप मैंने इसके नेक पोर्शन में ऑलरेडी लगा दिया है। और इसके साथ आता है इसका वायर, ये नीचे इसका एक पोर्शन है जिसमें इसकी बैटरी पड़ती है, और ये मैं आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ, इसमें बटन सेल पड़ता है इस तरीके से, इसे यहाँ पे खोलेंगे तो ये यहाँ पर आपको दिखेगा इसका बैटरी का पोर्शन है, ये इसमें बटन सेल पड़ा हुआ है, और इसके साथ ही एक छोटा सा कपड़े का लेस दिया हुआ है, स्ट्रिप कह सकते हैं आप इसे, स्ट्रिप को खींचने पर सेल आपका बाहर आ जाता है। सेल दोस्तों जब भी इसमें आपको लगाना है तो ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें ऊपर प्लस का निशान है और सेल पे भी जिस साइड में प्लस का निशान होगा आप उस साइड में इसको लगाइएगा। तो यहाँ पे बैटरी इसकी लग जाती है, इसके इस पोर्शन को मैं यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ, इसका इतना ही यूज़ है। साथ में जो है इसके पीछे आपको एक क्लिप रहेगा, इस क्लिप को आप अपने शर्ट में या पैंट में होल्ड करने के लिए लगा सकते हैं, क्लिप होल्डर आपके पैंट का शर्ट के लिए है। नीचे आपके यहाँ पर देखेंगे दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक कैमरा लिखा हुआ है, सेकेंड आपका लिखा हुआ है ऑफ़ / स्मार्टफोन। तो जब आपको रिकॉर्डिंग इससे DSLR से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, DSLR कैमरे में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो है ये स्विच जो है आपको इसका ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा कैमरे की तरफ को, तब इसका DSLR से यानी कि DSLR कैमरे से आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा बराबर, उसमें वॉइस बराबर आएगा। जब आप स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसका जो है जैसे ये अभी ऑफ़ में है, तो ऑफ़ में जो है इसका ऑफ और स्मार्टफोन एक ही है, इसको ऑफ मोड में करके ही स्मार्टफोन से आपका इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है, कैमरे मोड में नहीं करना है इसको, स्मार्टफोन के लिए स्मार्टफोन के मोड में ही रखना है या ऑफ़ में रखना है। तो इसमें अगर आप बटन से लगकर इसमें नहीं भी लगा रहे हैं तो भी ये वॉइस रिकॉर्डिंग करके देता है, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करता है स्मार्टफोन से बिना बैटरी के भी, बैटरी लगाने की ज़रूरत आपको सिर्फ कैमरे में है।
दूसरी इसकी खास बात जो है, इसका जो वायर है ना, वायर बहुत ज़्यादा लंबा है इसका, 20 फीट का वायर आता है। तो 20 फीट आप अंदाज लगा सकते हो कि अगर 10x10 का आपका रूम है तो आप दो रूम छोड़ के जो है वहाँ पे अपना कैमरे का सेटअप कर सकते हो, और दो रूम छोड़ के आप इतनी दूर 20 फीट दूर बैठ के अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी कर रहे हो आप कर सकते हो। मान लो अपना कैमरा आपका वहाँ पे दूर लगा हुआ है और जहाँ पे वहाँ पे साउंड ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे नहीं बैठोगे, आप दूर आके बैठ के अपनी रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो। तो इसका ये इसमें खासियत और काफ़ी अच्छाई भी है कि इसकी केबल जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी होती है। अभी दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोगों को आती है इसको स्मार्टफोन में यूज़ करने में। यूज़ करने में क्या है कि यूज़ तो नॉर्मली क्या है, लोग जैसे हम लोग हेडफोन लगाते हैं, इसका जैक आता है 3.5 mm जैक आता है इसका, साथ में जैसा हेडफोन का जैक रहता है स्मार्टफोन के, और तो वैसा ही जैक आता है, उसको हम डायरेक्टली उसके हेडफोन के जैक में उसको पुट करते हैं और हम सोचते हैं हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लियर हो रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है मोबाइल में। तो उसमें एक एप्लीकेशन आता है ओपन कैमरा ऐप करके, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ओपन कैमरा डालिएगा, सर्च कीजिएगा, ओपन कैमरा ऐप आप प्ले स्टोर से मोबाइल में अपने डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा जो है उसमें सेटिंग क्या करनी है आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओपन कैमरा जब आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा तब आप उसकी सेटिंग में जाइएगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपको उसकी वीडियो सेटिंग में जाना है। वीडियो सेटिंग को जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ऑडियो सोर्स, एक ऑप्शन मिलेगा। ऑडियो सोर्स को आप जैसे ही टैप करेंगे तो वहाँ पे आपके 4-5 ऑप्शन खुल के आएंगे। सेकंड नंबर का ऑप्शन रहेगा एक्सटर्नल माइक इफ़ वेन अवेलेबल, तो उसको आपको टिक कर देना है, टैग करके उसको ओके कर देना है, और आपका माइक जो है उसमें बराबर काम करेगा ओपन कैमरा एप्लीकेशन में, उससे आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग बराबर कर पाएंगे। अगला है दोस्तों वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। ये किस लिए एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन जो हमारा है वो हमारा एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट नहीं करता, उसमें जो कैमरा एप्लीकेशन है, कैमरा जाता है किसी भी स्मार्टफोन का, तो वो जो है उसको सपोर्ट नहीं करता है। जब उसको सपोर्ट नहीं करता है तो उसमें काम भी नहीं करता है, इसके लिए हमें ओपन कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। और ओपन कैमरा एप्लीकेशन है, इसके अलावा भी काफ़ी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अपने आप सर्च कर लीजिएगा। ओपन कैमरा का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए क्या है, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा RESForge 2, ध्यान से रखिए RESForge 2, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वो नहीं है तो एक वॉइस रिकॉर्डर करके, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वो भी एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है, वहाँ पे उसमें ऑप्शन है एक्सटर्नल माइक का। सेटिंग में जाएंगे तो दोनों में आपको एक्सटर्नल माइक का मिलेगा सेटिंग, वहाँ पे उस सेटिंग को आप ओके कर दीजिएगा और आपका वॉइस रिकॉर्डिंग भी क्लियर होगा। और अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग, आपको मैं अभी अंतर दिखाऊंगा कि अभी जो है आप सुन रहे थे वो थी इसकी, अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मैं कर रहा हूँ बिना माइक के, क्योंकि ये जैक मैंने अपने स्मार्टफोन से बाहर निकाल दिया। अभी तक जितनी भी रिकॉर्डिंग आप देख रहे थे ये रिकॉर्डिंग मैं अपने स्मार्टफोन में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा था, वही वॉइस आपको सुनाई दे रही थी। तो ये वॉइस अगर मैं इसको अभी फिर से इसमें लगाऊंगा तो आपको अचानक ही चेंज नज़र आ गया होगा। अभी मेरी वॉइस आप देखेंगे कैसी एकदम चेंज हो गई है, जो डिस्टर्बेंस पहले था उससे काफ़ी कम हो गया होगा। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी शांत एरिए में बैठा हूँ, एकदम काम एरिया है, ग्रीनरी है, आप चारों तरफ देख रहे होंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक वीलॉग बनाने के लिए आया था, लेकिन आगे का मौसम ख़राब है, रास्ता बंद है, तो वीलॉग बनाने के लिए तो जा नहीं पाया, तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। और दोस्तों ये वीलॉग, इसका जो ओपन कैमरे का एप्लीकेशन था, वॉइस ऐप रिकॉर्डर है, ये मैंने आपको उसका बता दिया कैसे करना है आपको इंस्टॉल। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम मैं ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी वीडियो आपको चाहिए या कोई भी आपकी दिक्कत है, आपको मेरे को कमेंट कीजिएगा तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डालता रहता हूँ और आपको वो वीडियो जो है मिलते रहेंगे। और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तभी आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन आगे के मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।